एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी 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 लेट नवंबर फेवरेट्स। आई नो दिसंबर का आधा महीना जा चुका है, लेकिन मैं स्किप तो नहीं करने वाली, तो आई एम सॉरी, बट दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी अलग चीज़ें हैं, रैंडम चीज़ें हैं, एंड मुझे रैंडम चीज़ें वाले मंथली फेवरेट ज़्यादा पसंद है। तो आई विल स्टार्ट विथ माई स्पेक्टिकल्स, क्योंकि नवंबर के महीने में मैंने इतने सारे चश्मे लिए कि मैंने पूरे लाइफ में एक नंबर के इतने चश्मे नहीं ओन किए। मतलब हर बार जब मेरा नंबर चेंज होता है ना, तभी मैं ऐसे डेढ़ दो साल में नया चश्मा लेती हूँ, बट सम हाउ इन नवंबर मैंने चार नए चश्मे लिए, तो आई विल शो ऑल ऑफ देम टू यू। सबसे लेटेस्ट वाले है ये मेरे एकदम जाड़े लेपर्ड प्रिंट वाले, थोड़े नर्डी लगते हैं, थोड़े डिफरेंट है, बट मुझे अच्छा लगा, कुछ ऐसा नया चंकी ट्राई करना था। इनिशियली मैंने YSL करके एक ब्रांड है उसमें देखे थे, और वो 18,000 का फ्रेम था, तो मैंने उसका ऐसा थोड़ा सस्ता वर्जन दूसरे ब्रांड में ढूंढ लिया। द वेरी फर्स्ट फ्रेम जो मैंने लिया था वो था ये ट्रांसपेरेंट कैट आइज वाला। एक्चुअली ये सनग्लासेस थे जिसका सनग्लास का वो हटा के नॉर्मल काज बिठाया है, बहुत गंदे हो गए अभी तो फिलहाल। तो ओनली थिंग इज मेरे को मेरे चेहरे के लिए भी थोड़े छोटे लग रहे हैं। मैंने तभी मोटिवेशन में ले लिया कि हम तो जिम जाते हैं, ऐसा फेस फैट भी निकल जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है फिलहाल। तो आई डोंट वेयर दिस दैट मच राइट नाउ, ये थोड़ा जल्दबाजी में मैंने ले लिए। बाकी के दो मैंने एक्चुअली ऑनलाइन लिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैंने ऑनलाइन चश्मा लिया। मुझे यूजुअली पहन के चेक करना पसंद है कि कैसा लग रहा है, बड़ा है छोटा है क्या सीन है, बट दोनों के दोनों मुझे बहुत पसंद आए। पहला है ये, तो बिफोर आई कुड फाइंड टॉर्टोइस शेल वाले बड़े ग्लासेस मैंने ये लिए थे ऑनलाइन, एंड मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत नर्डी लुक देता है, एकदम सीरियस लुक देता है, लेकिन आई लाइक इट, आई फाइंड इट लाइक अ सेक्सी नर्डी लुक। एंड लास्ट फ्रेम है ये वाला, स्क्वायर शेप है, मैंने स्क्वायर शेप पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो इट्स डिफरेंट, इट्स फन। एंड ये वाले एकदम सस्ते थे, 1500 में पावर वाले ग्लास के साथ आ गए थे, ये वाला और वो ब्लैक वाला। तो आई लिंक वॉट एवर आई कैन फाइंड डाउन बिलो अगर आपको कुछ लेना हो तो। नेक्स्ट है ये शूज़ फ्रॉम नाइकी। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फ्रॉम बाइंग देयर थिंग्स टू आज बींग अ पार्ट ऑफ देयर टीम। एंड उसके लिए मैं ये शूज़ के लॉन्च के लिए गई थी। दीज आर द जॉय राइड्स, द न्यू जॉय राइड्स। एंड वो दिन वहाँ पर एक ट्रेडमिल लगाया था, हमने भाग के देखा इनमें, एंड दे आर वेरी नाइस। द थिंग इज़ ये शूज़ मिलते हैं बाहर 15,000 के आसपास के, एंड आई नो दैट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव। तो मैं ये नहीं कह रही कि दीज आर द बेस्ट शूज़ इन द वर्ल्ड एंड आपको ये खरीदना ही चाहिए, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि अगर आप एक स्नीकर फैन हो या अगर आप शूज़ में जनरली इतने पैसे डालते हो तो ये कैसे है। सो द थिंग अबाउट जॉय राइड्स इज़ कि इसके जो साइड में है ना, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स डाले, इसलिए जब भी हम इसमें वॉक करते हैं या रन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे फीट को कुशनिंग मिलता है। लाइक ऐसा फीलिंग आता है कि हम बीच पे भाग रहे हैं, सैंड में भाग रहे हैं, एंड दैट्स वाई एक बाउंस बैक आता है। अगर कोई कड़क सोल वाला शू रहता है ना, तो वो हमें वापस स्प्रिंग के जैसे एनर्जी नहीं देता, बट बिकॉज दिस बाउंसेस बैक रनिंग बिकम्स ईजियर। ये शू का ब्रीफ था कि दिस इज़ फॉर अ रिलक्टेंट रनर। रिलक्टेंट रनर मतलब जिसको रनिंग करना नहीं पसंद पर वो जबरदस्ती करता है, एंड आई एम दैट। अगर प्रूफ चाहिए तो मेरी ट्रेनर को मैं पूछ लूँगी एक बार इंस्टाग्राम स्टोरी पे, मुझसे कार्डियो करवाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो मुझे झूठ बोलती है। वो बोलते हैं कि आज हम मसल ट्रेनिंग करेंगे, एंड फिर जाके शी लाइक अभी 45 मिनट्स ट्रेडमिल पे भाग, एंड आई ऑलवेज मेक अ फेस। देन ओके, नेक्स्ट रैंडम कैटेगरी इज रबर बैंड्स। मेरे एक फिक्स चाचा है बोरेवली स्टेशन के सामने बैठते हैं वो, लाइक सिंस आई वॉज 5 or 6 ईयर्स ओल्ड, हम सिर्फ उन्हीं के पास से सारे हेयर एक्सेसरीज लेते थे, एंड मैं एक साल से उनको ढूंढ रही थी कि वो किधर गए, वो अपने यूजुअल जगह पे नहीं थे। एंड लास्ट टाइम मुझे मिल गए, तो हमने 400 रुपये के रबर बैंड्स लिए मैंने और मम्मी ने मिलके। अभी सडनली ना फर वाले रबर बैंड्स बहुत ट्रेंड में निकले, एंड मेरे को ये सिर्फ 20 रुपीज़ ईच में मिले। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर कोई बड़े ब्रांड ने निकाला होता ना, तो 50-100 रुपये पर रबर बैंड के नीचे नहीं होता। तो उनके पास जितने कलर्स थे मैंने सारे ले लिए, लाइक येलो, रेड, पर्पल, ब्राउन, वाइट, पिंक, एवरीथिंग। नेक्स्ट है स्क्रंचीज। मुझे स्क्रंचीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने फॉरएवर 21 से स्क्रंचीज़ लिए थे लाइक 2 साल पहले, एंड मैं अभी तक वही यूज़ करती हूँ। जब मुझे ये 20 or 30 रुपीज़ के मिल गए ना उनके पास, आई वॉज सो हैप्पी। प्लस इसमें बांधनी प्रिंट है, तो एक इंडियन ट्विस्ट आ जाता है स्क्रंची के ऊपर। मैंने उनको और प्रिंट्स मंगवाने के लिए ऑर्डर दे दिया है, बिकॉज आई नो आई एम गोना एंजॉय वेयरिंग देम। ये हेयर बैंड भी उन्हीं के पास से लिया है। आई रिसेंटली वो देम इन अ मेकअप लुक और मेकअप वीडियो समथिंग, एंड इतने सारे DMs आए कि ये हेयर बैंड कहाँ से लिया है, सिर्फ 50 रुपये का था,
फ्रॉम दैट चाचा, आई ट्राई टू लीव हिज लोकेशन डाउन बिलो. अगर आप जाओ तो उनको बताना कि आपने ये वीडियो देख के गए हो वहाँ पे, तो आपको और डिस्काउंट डेफिनेटली देंगे, क्योंकि मुझे हर बार वो डिस्काउंट देते ही है. एंड इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है. एंड 50 रुपये में तो वर्थ ही है यार. मतलब इफ़ यू गो टू अ ब्रांडेड स्टोर, 250 से स्टार्टिंग रेंज होता है इसका. व्हाट एल्स डिड आई बाय? ये एक हेडबैंड लिया, थोड़ा सा डिफरेंट है. मतलब इट्स ओके, मैंने सरोजनी में भी लिया था ऐसा 50 रुपीज़ में, तो एक और ले लिया टू यू नो ट्राई इट ऑन. ये हेयर स्टाइल में मैच नहीं होगा, लेकिन अगर खुले बाल रखे हो ना तो उसमें ये बहुत अच्छा लगता है. एंड द लास्ट थिंग आई बॉट इज़ ये वाला हेयर बैंड, ब्लू पॉम्पम वाला. लेट मी ट्राई इट ऑन दिस. अभी ब्लू ब्लू में क्लैश हो रहा होगा, बट इट्स अ लिटिल फन. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं हेयर बैंड नहीं पहनती थी, बट जब से मैंने फेस मास्क लगाना शुरू किया मैं हेयर बैंड पहनती हूँ, क्योंकि मेरे ये सारे बाल फिर चिपक जाते हैं उसमें. ओके, देन फॉर स्किन केयर, दिस बॉडी बटर, आई थिंक ये मेरे लास्ट मंथ के भी मंथली फेवरेट्स में था. एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, लाइक ब्रांड्स यूजली सिर्फ एक वीडियो के लिए स्पॉन्सर करते हैं, वो बार बार सेम प्रोडक्ट के लिए स्पॉन्सर नहीं करते. सो जस्ट टेलिंग यू दैट इन एडवांस, ये उबतन वाला बॉडी बटर इज स्टिल सो रिफ्रेशिंग. अभी धीरे धीरे ठंड आ रही है मुंबई में, इट्स नॉट स्टिल दैट कोल्ड, बट मेरे जो पैर, मतलब जो फुट है ना, उसमें ऑलरेडी डेड स्किन होना जमा हो गया, तो दिस इज़ हेल्पिंग मी फॉर दैट इज़ वेल. इवन माई डैड हैज़ बिन शेयरिंग दिस टब विद मी. मेकअप, मेकअप में मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास दो अलग अलग टूल्स है. फर्स्ट थिंग इज़ ये शार्पनर, जो मुझे प्लम के काजल के साथ फ्री मिला था. काजल तो अच्छा ही है, लाइक मैं लिटरली एवरी टाइम मैं मेकअप करूँ तब वो लगाती हूँ, बट ये शार्पनर इतना ज़्यादा अच्छा है कि मेरे जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी है ना घर पे, लाइक लिप लाइनर एंड अदर थिंग्स विच नीड टू बी शार्पन्ड, मैं सिर्फ ये यूज़ करती हूँ उसके लिए. एंड इसके अंदर एक क्लीनिंग टूल भी दिया है पीछे. सेकंड जो चीज़ है मेरा मेकअप में फेवरेट, वो है आई शेडो ब्रशेस. मेरे पास पहले सिर्फ 2 या 3 आई शेडो ब्रशेस थे जिससे मैं मेरा लुक क्रिएट करती थी, एंड आई डोंट थिंक दे वर इनफ. तो मैंने यूट्यूब पे बहुत रिसर्च किया, तब जाके मालूम पड़ा कि पूरा सेट चाहिए होता है, ब्लेंडिंग ब्रश, बड़ा वाला, छोटा वाला एंड वॉट नॉट. एंड मुझे बहुत अर्जेंटली चाहिए थे कुछ तो वीडियो के लिए, तो मैं नियरेस्ट अच्छा ब्रांडेड मेकअप स्टोर गई, एंड मुझे 5,000 के 7 या 8 ब्रशेस पड़े. तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड, ये तो सिग्मा के हैं, अच्छे हैं, बट आई एम गोइंग टू ट्राई टू सर्च फॉर चीपर ब्रशेस, बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी अफोर्डेबल यार. द रीज़न वाई दिस स्टिल इन माई फेवरेट्स इज कि मेरा आई शेडो गेम चेंज तो हुआ है इसको यूज़ करने के बाद, लाइक एटलीस्ट आई एम एबल टू क्रिएट अ लिटिल मोर डिसेंट लुक विद इट. फूड फेवरेट में आई थिंक फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स मेरे फूड फेवरेट में सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स और कैंडीज है. एंड मेंटेनिंग दैट फॉर दिस मंथ आई हैव पॉपिंस. मैंने बचपन में पॉपिंस बहुत खाया यार, एंड व्हेन आई सॉ दिस समवेयर आई गॉट सो एक्साइटेड. मैंने भैया को पूछा कितने का, ही सेड 2 रुपीज़. ये अभी तक 2 रुपीज़ का मिलता है, आई थिंक 8 या 10 गोली. हर एक फ्लेवर सेम टेस्ट करता है, सो आई गॉट सो हैप्पी कि एक चीज़ है जो उन्होंने चेंज करने का ट्राई नहीं किया, एंड इट्स सुपर गुड. आई थिंक इन नवंबर इटसेल्फ आई गॉट माई सेल्फ अ न्यू फ़ोन. दिस इज़ माई सेकेंड फ़ोन, वर्क फ़ोन, एंड ये है सैमसंग A50. मैंने आई थिंक 6-7 साल से एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं किया था, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था ढूंढना कि मैं ले रही हूँ तो कौन सा लूँ. एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर एक एप्पल फ़ोन है तो एक दूसरा एंड्रॉयड हो तो बेटर हो. तो मैंने मेरा 6S बेच के ये वाला लिया. इट लुक्स वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा है, एंड इसमें काफ़ी एडिशनल फीचर्स है लाइक कॉल रिकॉर्डिंग, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. बट इसका फिंगरप्रिंट उतना अच्छे से नहीं चल रहा जितना मेरे आईफोन में चलता है. तो प्रोज एंड कॉन्स तो है, बट इसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है. लाइक इसका सेल्फी में भी एक वाइड मोड और नॉर्मल मोड है, एंड इसका जो बैक कैमरा है 11 प्रो के जैसा है, लाइक वाइड एंड उससे छोटा. प्रिटी डैम कूल कि आई थिंक 21,000 के आसपास में उतने अच्छे फीचर्स मिल गए, तो आई लाइक दिस. एंड अनदर थिंग जो आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से पूछ रहे हो इज़ अबाउट दिस मिरर, कि ये मिरर कहाँ से लिया था. ये मैंने लिया था फॉरएवर 21 से कुछ 120 रुपीज़ का 5 साल पहले, एंड अभी तक एकदम सही चल रहा है. तो आई थिंक एक हैंडी डैंडी मिरर होना अच्छी बात है. पहले मुझे लगता था कि एक हाथ में अगर मिरर पकड़ा तो एक हाथ से मेकअप कैसे करेंगे, बट इट्स एक्चुअली ईजी बिकॉज एट अ टाइम यू आर नॉट यूजिंग बोथ योर हैंड्स राइट, एक ही हाथ से मेकअप करते हैं तो ईजी पड़ता है. तो यू कैन चेक आउट मिनीसो, बिकॉज फॉरएवर 21 तो ऑलमोस्ट बंद हो गया हमारे आस पास. आई थिंक मिनीसो हैज सिमिलर मिरर्स लाइक दिस. नेक्स्ट है ये एप्पल वॉच के, एप्पल वॉच नहीं, आई वॉच के वॉच बैंड्स. वेरी रिसेंटली मैंने आई वॉच लिया, दिस इज़ अ सीरीज 3 सेलुलर मॉडल.
अराउंड कुछ 31,000 का था, बट मैंने EMI पे लिया. डोंट वरी, आई कांट अफोर्ड टू लाइक स्वाइप 30,000 एक साथ. एंड इसके लिए आई हैव बीन बाइंग अ लॉट ऑफ थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स. मुझे कितने DMs आए कि आप अपने स्ट्रैप्स कहाँ से लेते हो. एक लोकल स्टोर है जिसका नाम है आई डॉक, मैं वहाँ से लेती हूँ, बट मुझे एक बैंड 400 रुपये का पड़ता है. तो इफ़ यू नो अ बेटर एंड चीपर प्लेस जहाँ पे ऐसे वॉच स्ट्रैप्स मिलते हो तो लेट मी नो द कॉमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि मुझे और येलो लेना है, रेड लेना है, लाइट पिंक लेना है और एक ग्रीन लेना है. मुझे कलरफुल बैंड्स बहुत पसंद है. सो यार, आई एम एंजॉइंग ट्राइंग डिफरेंट बैंड्स ऑन द वॉच. एंड माई लास्ट फेवरेट इज इट माई लास्ट आई एम फॉरगेटिंग समथिंग माई लास्ट फेवरेट इज दिस शो कॉल्ड सिलिकॉन वैली. आई डोंट रिमेम्बर मैंने इसको पहले मेंशन किया है कि नहीं, बट बहुत बाप शो है. मैंने एक मूवी देखी थी कॉल्ड द इंटर्नशिप, एंड वो आई थिंक गूगल के बेस्ड थी. लाइक टू पीपल हु लूज देयर जॉब्स, वो लोग गूगल में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देते हैं एंड देयर होल जर्नी कि उनको फिर जॉब कैसे मिलती है. स्पॉइलर अलर्ट, हाँ, उनको जॉब मिल जाती है. एंड उसके बाद मुझे सिमिलर लगा सिलिकॉन वैली. मैंने एक एपिसोड देखा है ना, लाइक अच्छा है, कुछ सीखने भी मिल रहा है, ड्रामा भी है. एंड फिर मुझे इतना पसंद आया कि मैंने 2 दिन में जितना भी सीजन्स था सारे कैचअप कर लिए. एंड अभी लास्ट मंडे ही उनका सीज़न फिनाले आया एंड आई एम सैड दैट इट्स ओवर. इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट सीजन फिनालेज आई हैव सीन. यूजुअली सीरीज़ के एंडिंग्स बहुत ही पपलू होते हैं, लाइक दे नॉट दैट नाइस, बट दिस एंडिंग वॉज वेरी नाइस. तो अगर आप कोई अच्छा शो ढूंढ रहे हो देखने के लिए जिसमें कुछ नॉलेज भी मिले, देन सिलिकॉन वैली इज़ रियली रियली नाइस. मुझे शोज देखना इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि मुझे सिर्फ ड्रामा देखना नहीं पसंद. लाइक आई वॉन्ट कि मेरा जो टाइम मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ कुछ सीख लूँ उससे, एंड उससे सीखने मिला. सो इट्स अ सुपर शो, इट्स ऑन हॉट स्टार. मैं नीचे लिंक कर दूंगी. एंड दैट वॉज माई नवंबर फेवरेट्स. आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस. सॉरी फॉर बींग लेट. अगले साल आई ट्राई टू बी मोर पंक्चुअल. ये साल डेफिनेटली लास्ट ईयर से तो बेटर ही था. मैंने आई थिंक 6-7 महीने टाइम पे पोस्ट किया एंड 4-5 महीने वर हियर एंड देयर, बट नेक्स्ट ईयर विल बी बेटर. एंड या इफ यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस, दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन, गुड बाय.